अवैध वसूली की शिकायत को लेकर बजरंग दल के दो ग्रुप में हुआ विवाद, जिसके चलते थाना परिसर में हुई झड़प के बीच निकाला गया देशी कट्टा, जिसे पुलिस ने जब्त किया। दुर्ग में एक ही हिंदू संगठनों में अवैध वसूली का आरोप लगाकर आपस में बजरंग दल के दो ग्रुपों में जमकर विवाद हुआ। वहीं एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर अवैध वसूली का आरोप लगाया, साथ ही एक दूसरे को फर्जी बताने लगे और नारे लगाए। इसके चलते दोनों ही ग्रुप के लोगों के बीच आपसी झूमा झटकी भी हुई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस बीच पुलिस चौकी में ही किसी एक ग्रुप के सदस्य ने देशी कट्टा निकाला, जिसके बाद सख्ती में आई पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर कट्टे को जब्त किया। वहीं इस मामले को लेकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी है। दो पक्षों के बीच आपस में विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। अंजोरा पुलिस चौकी में एक पक्ष शिकायत लिखाने आए थे दूसरे पक्ष के खिलाफ, तो आमने सामने दोनों हो गए थे, विवाद की स्थिति बनी थी। हम लोगों ने फोर्स वहाँ पर तैनात किया हुआ था, तो फोर्स ने स्थिति को संभाला है और दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है और जो भी तथ्य इसमें निकल आएंगे उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई। कहीं ना कहीं मतलब ये दोनों पक्ष जो है कहीं ना कहीं वसूली या कुछ ऐसा अभियान को लेकर जुड़े ऐसे मामले सामने आए थे। अब ये आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है, आरोप में कितनी सत्यता है उसका तो जांच करने के बाद ही प्रमाण मिलेगा और जैसा जो भी प्रमाण मिलता है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अवैध वसूली किए जाने की शिकायत को लेकर हुए विवाद पर जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए आक्रोश जता रहा था, तो वहीं पीड़ित परिवार की महिला ने अपने ऊपर हुए इस मामले की जानकारी न्यूज टीम के समक्ष दी। दिल्ली मेरा बेटा था और जेठानी का लड़का था, वो गाड़ी चला रहा था, मेरा बेटा पीछे में बैठा हुआ था, ऐसे गए थे घूमने को, तो एक डोगरे से टकरा गए, वो साइकिल से था, मेरा बेटा गाड़ी से था, तो टकरा गए, वो थाने में गाड़ी बंद कर लिए, तो ये केस वहाँ पर तो कई गाड़ी बंद कर लिए, तो वहाँ से हम लोग दिल्ली से आए तो मोहल्ले में एक मतलब खुद दुकान वाला है, उससे पूछे कि ऐसा ऐसा हो गया करके, तो ये राकेश तिवारी से मिलवाए वो लोग, तो राकेश तिवारी अंजोरा थाने में लेके गया मेरे इसको मेरे आदमी को, और मेरा जेठ भी गया वहाँ पर, तो बोला थोड़ा बहुत पैसा लगेगा रफा दफा करवा देंगे वहीं से थाने से, वो उसका डोगरा भी आया था वो और उसके लड़के लोग भी आए थे, तो उससे मिलने नहीं दिया वो राकेश, बोला नहीं उससे मत मिलो ऐसा करके, वो रोड में पैसा लिए 40,000 रुपया और केस अभी तक नहीं चल रहा, कुछ रफा दफा नहीं करवाया, हम लोग अभी परेशान। अरे तो गाली वाली दिया कि तुम्हारी गाड़ी छुड़वा दिए और ज़्यादा बात करोगे तो तुमको भी उठवा देंगे, तुम्हारे लड़के को भी उठवा देंगे, ऐसा करके तो हम लोग चुप हो गए, सीधे आदमी रोज के कमाने धमाने वाले तो कुछ नहीं। जिस तरह से बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव और राकेश लोचन तिवारी के ग्रुप में अपनी सच्चाई का दम भर इस अनैतिक कार्य पर रोष जताया गया, तो वहीं बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव ने आरएसएस के उच्च अधिकारियों की गलती का ये खामियाजा बताया, साथ ही कहा कि आगामी दिनों में इस तरह से किसी की जान मान की हानि होती है तो उसका आरएसएस प्रमुख ही जवाबदार होगा। कट्टा निकलने की जहाँ तक बात है वो सब बेबुनियाद बात है, कट्टा वट्टा हमारे कार्यकर्ता के पास नहीं रहता है। विवाद ऐसा है, राकेश लोचन तिवारी नाम का एक बजरंग दल में अभी नया नया हमारे प्रांत के कुछ अधिकारियों ने उसे दायित्व दे दिया है और पुराने जितने लोग हैं उनको वो लोग दायित्व से अभी हटा के रख दिए हैं, लेकिन जो 25-30 साल से काम कर रहे हैं वो संगठन में बिना उनको संज्ञान मिले आप हटा नहीं सकते, आपके घर का पपौती आपके बाप की पपौती नहीं है वो चीज़, कार्यकर्ता उसी को लेकर लड़ाई इनका चल रहा है आपस में, ये तो अपनी लड़ाई अपने स्थान पर अलग चलता रहेगा, लेकिन राकेश लोचन तिवारी नाम का व्यक्ति जो है वो मार्केट में अवैध वसूली करता है ऐसी जानकारी तो आ रही थी, लेकिन बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के हम किसी बात को कैसे मानेंगे भाई, कहीं ना कहीं कई बार झूठ भी होता है बात तो, लेकिन इसी विषय को लेकर के एक गरीब परिवार गुपचुप बेचने वाला वो जो परिवार है वह एक दिन शिकायत उसको मिला कि भाई बजरंग दल का कोई विषय है तो रतन यादव के पास जाओ वही न्याय करेगा, तो वो लोग कहीं से ढूंढते हुए मुझे आए हमारे कार्यालय में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर आए लोग और बताए कि ऐसी सी बात है, मैंने कहा ठीक है घबराओ मत आप तैयार रहो पुलिस प्रशासन के पास जा करके एक शिकायत दर्ज करा देना बाकी मैटर ख़त्म हो जाएगा,
अब यही सूचना हमारे विभाग के संयोजक रवि निगम जी हैं बजरंग दल के, उनको जब मिला तो वो लोग थाने गए। पुलिस वालों ने स्पष्ट कहा कि ज़्यादा भीड़ लेकर मत आना, पहले आवेदन दे दो, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उससे पहले 40-50 लोगों को लेकर राकेश राम रोचन पहुंच गया वहां पर, गुमराह करके कार्यकर्ताओं को, और वहां हो हल्ला करने लगा, ये फर्जी लोग हैं, फर्जी लोग हैं। तो ये और गुस्सा हो गए कि फर्जी ये लोग नहीं है, फर्जी तो तुम लोग हो जो तुमको प्रांत के अधिकारी रखे हैं। तो वो लड़ाई में अगर आप और मैं लड़ रहे हैं, उसमें तीसरा आदमी आके घी डाल रहा है, वही वाला काम हमारे प्रांत के कुछ अधिकारी किए हैं। आज दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मैं पूछता हूँ संघ परिवार कहाँ है? हिंदुओं को लड़ता हुआ देख करके, अरे आपका दुश्मनी अगर किसी एक व्यक्ति के साथ है, क्या पूरा का 150-200 लोगों के साथ दुश्मनी है क्या? क्यों संज्ञान लिया जा रहा है? तो कुल मिलाकर के यहाँ दोष तो ऊपरी अधिकारियों का भी है। अगर आज किसी की हत्या हो जाए, उसका दोषी कौन है? मैं एकदम निजी चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा संघ परिवार के उस वरिष्ठ अधिकारियों को भी कि अगर किसी की हत्या होती तो जिम्मेदारी संघ परिवार के मेन लोगों की होगी, जो हिंदुत्व का काम कर रहे बच्चे उनको आपस में लड़वा रहे हैं लोग। अवैध वसूली के खिलाफ शिकायत करने जब गया दूसरा पक्ष कि ये बजरंग दल के नाम से अवैध वसूली कर रहा है, गरीब परिवारों से 40,000 रुपये ले लिया पुलिस को देने के बहाने, तो इस विषय को शिकायत करने गए तो इस विश्वास में तकलीफ हुआ, तो विवाद पैदा हुआ। उसके बाद दोनों पक्षों में फिर भीड़, फिर हमारे तरफ से जो रवि निगम है उनकी टीम भी, फिर 500-400 कार्यकर्ता वो लोग। छत्तीसगढ़ बजरंग दल का प्रांत संयोजक हूँ और हिंदुत्व का कार्य करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। और बाकी जिस तरह से बजरंग दल के दो गुटों में आपसी वर्चस्व के साथ ही अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाकर थाने परिसर में जो विवाद हुआ, जिसके चलते किसी एक ग्रुप के सदस्य द्वारा कट्टा भी निकाल लिया गया और आक्रोश जताना चाहा, वही अब देखना होगा कि दुर्ग पुलिस इस मामले में किस तरह से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है और हुए इस विवाद का खात्मा करती है। रेंज एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।